हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या कथीरान। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड इज दैट डायरेक्टिंग। आज गाइस हम लोग ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड इज दैट हायरार्की नीड्स बाय मास्लो, यानी कि मास्लो ने जो नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मतलब रैंकिंग किया था वो एक पूरा नीड्स का हम लोग चार्ट देखने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो नॉर्मल लाइफ में कोई भी ह्यूमन बींग्स होता है उसकी नॉर्मली 5 टाइप की अलग अलग नीड्स होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रायंगल में हमारे पास अलग अलग 5 टाइप की नीड्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट वन जो होती है वो है साइकोलॉजिकल नीड, सेकेंड वन इज सेफ्टी नीड, थर्ड वन इज सोशल नीड। गाइस जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सोशल उसको हम लोग लोअर नीड से भी जानेंगे। 1 मार्क में आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टेट द लोअर नीड्स, तो हमें ये 3 नेम लिखने हैं, क्लियर। फिर फोर्थ वन और जो फिफ्थ वन है एस्टिमेट स्टेटस नीड, और फिफ्थ वन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स। तो ये जो सारी दोनों नीड्स है वो कौन सी वाली, हमारी हायर नीड्स है, क्लियर। 1, 2 एंड 3 हमारी लोअर नीड्स है, 4 एंड 5 हमारे हायर नीड्स है, क्लियर। तो टोटली मेनली वी हैव ए 5 टाइप्स ऑफ नीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं फर्स्ट नीड से, साइकोलॉजिकल नीड्स। तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रिलेटेड टू दिस चार्ट एंड ऑल दिस। मैंस नीड आर वराइड, यानी कि हमारी नीड्स कभी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे अलग अलग बंदे की अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग नीड्स होती है। तो जैसे जैसे आप पर्सन चेंज करोगे तो उसकी नीड्स भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है तो किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकती, क्लियर। तो उसमें देखते हैं, दिस नीड्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेंटल स्टेटस। अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो कि उसके मेंटल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होगा कि उसे क्या प्रेफरेंस देना है क्या नहीं देना है, क्लियर। फिर देन आफ्टर है द ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो, यानी कि ये जो नीड्स है वो चार्ट प्रॉपरली प्रिपेयर किसने किया था, तो कि अब्राहम मास्लो ने किया था। हैज प्रेजेंटेड हायरार्कीज ऑफ नीड्स इन हिज आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन 1943। उन्होंने ये पूरा जो नीड्स वाला स्टडी किया था, उन्होंने ये पूरा आर्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट किया था। तो आइए देखते हैं कि ये फर्स्ट 5 नीड जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे होता है। देखते हैं साइकोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स, तो आइए देखते हैं कि उसमें होता क्या है। साइकोलॉजिकल नीड्स आर अ बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बींग्स, ऐसा भी क्वेश्चन में गाइस पूछा जाता है कि आपकी बेसिक नीड्स क्या है, क्लियर। बेसिक नीड इंक्लूड्स, यानी कि बेसिक नीड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो कि फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ऑफकोर्स अगर कोई छोटा इंसान है, बड़ा इंसान है, पुअर है या फिर बहुत ही रिच है, सबको ये चार चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, क्लियर। इट मीन्स कि अगर जब तक हमारी ये नीड्स कंप्लीट नहीं होती हम लोग आगे के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि खाना ही नहीं मिलता इंसान को तो आगे क्या सोचेगा, क्लियर। रिक्वायर्ड दिस बेसिक नीड टू सस्टेन द बॉडी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, क्लियर। पीपल नॉट गिव इम्पॉर्टेंस टू अदर नीड्स टिल हिज बेसिक नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड। कोई भी बंदा होगा, ऑफकोर्स अगर उसको ये चार चीज़ें नहीं मिल रही ना तो वो आगे के बारे में सोचेगा ही नहीं। जिस इंसान के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है या फिर कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, तो वो उसके बारे में ही सोचेगा। जब तक उसकी ये नीड सेटिस्फाई नहीं होगी वो आगे के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकेगा, क्लियर। तो ये हुई हमारी प्राइमरी नीड्स, यानी कि जो जिंदा रहने के लिए चाहिए वो सारी बेसिक चीज़ें, क्लियर। सेकेंड वन है हमारी सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी किसके लिए चाहिए, तो कि आफ्टर द प्राइमरी नीड्स आर सेटिस्फाइड द नेक्स्ट नीड इज़ अ सेफ्टी, यानी कि प्राइमरी जब भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम किसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो कि सेफ्टी के बारे में। अब ये सेफ्टी कैसे हम लोगों को चाहिए होती है, तो कि इट इंक्लूड्स फिजिकल सेफ्टी, ऑफकोर्स हमारे बॉडी की हमें सेफ्टी चाहिए, जॉब सेफ्टी, हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी चाहिए कि हाँ भाई चलो अगर जॉब चल रहा है तो सैलरी आएगी और घर चलेगा अच्छे से। सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, अगर हमारे लाइफ में कोई रिस्क आते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे इसके अगेंस्ट थोड़ा सा सेफ्टी मिलना चाहिए। रेगुलरिटी ऑफ वेजेस, हमारा जो वेजेस है, सैलरी है, वो हमें रेगुलरली मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो बंद हो गया तो हमारा सिस्टम बहुत ख़राब हो सकता है घर का चलाने का एंड ऑल दैट, क्लियर। इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग खाने पीने रहने कपड़े के बारे में सोचेंगे, सेकेंड वन की भाई जो हम लोग काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब कुछ सेफ होगा तो आगे और सोचेंगे, क्लियर। जब तक हमारे पास जॉब नहीं है या फिर हम कमा नहीं रहे, सैलरी का कुछ अता पता नहीं है, तो हम आगे सोचेंगे ही नहीं खाने पीने के अलावा और कुछ, क्लियर। इट मीन्स कि पहले बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती है, फिर देन आफ्टर हम लोग सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, वो खत्म हो जाएगी, फिर आगे के बारे में हम लोग कुछ सोचेंगे, क्लियर। मेन टेक्स द मेजर्स लाइक, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई सेफ्टी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए, या तो फिर ओपन सेविंग्स अकाउंट करवा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सेव करके फिर फाइनेंशियली जब भी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, तो उसके लिए हम लोग ये
यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। और इंश्योरेंस है तो हेल्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी आप टर्म पॉलिसीज एंड सब कुछ करवाते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोचेंगे बेसिक नीड के बारे में, देन आफ्टर वी आर मूविंग ऑन सेफ्टी नीड्स, एंड देन आफ्टर जब भी सेफ्टी नीड्स हमारा खत्म हो जाता है तब हम लोग सोचेंगे सोशल नीड्स के बारे में। अब सोशल नीड्स में गाइस होता क्या है, तो कि व्हेन द नीड्स ऑफ अ सिक्योरिटी यानी कि सेफ्टी इज सेटिस्फाइड, द नेक्स्ट नीड इज अ सोशल नीड्स। अब जब भी हम लोग सेफ्टी के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो आगे क्या सोचेंगे, सोशल नीड्स के बारे में सोचेंगे। सोशल नीड्स में गाइस क्या इंक्लूड होगा, तो देखते हैं कि सोशल नीड्स इंक्लूड्स अफेक्शन एंड लव। ऑफकोर्स किसको अटेंशन, अफेक्शन, लव अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, हर कोई ऐसा चाहता है कि मुझे फ्रेंड से, मेरे कलीग से, मेरे ऑफिसर से, मेरी सोसाइटी में मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे लव मिले, क्लियर। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भी हमारा खाना पीना हो जाता है, हमारी जॉब सिक्योरिटी सेफ्टी है, सब कुछ है, हेल्थ भी अच्छा है, तो फिर आगे ये सोचेंगे कि भाई मुझे आसपास के लोगों में से लव, अफेक्शन, अटेंशन, जो भी आप चाहते हो वो प्यार मिलना चाहिए, क्लियर। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, क्योंकि हम लोग सोसाइटी के बीच में रहते हैं, कम्युनिटी के बीच में रहते हैं, तो ऑफकोर्स हमारी ये इच्छा तो होगी कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम ऐसा चाहते हैं कि वो हमें प्यार करें, हमें अटेंशन दे, हमें रिस्पेक्ट दे, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्राइमरी नीड्स खत्म हो जाएगा, फिर हम सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाएगा, फिर देन आफ्टर हम लोग सोशल नीड्स के बारे में सोचेंगे, अफेक्शन एंड लव के बारे में, क्लियर। अब ये तीनों हो गई गाइज हमारी लोअर नीड्स की, ये तो हर किसी इंसान को चाहिए ही चाहिए, क्लियर। अगर वो पुअर है, रिच है, कोई भी है, सबकी ये इतनी एक्सपेक्टेशन तो होती ही है। अब नेक्स्ट में देखते हैं हायर नीड्स, तो कि एस्टीमेट स्टेटस नीड, जो हमारी अबोव 1, 2, 3 थी वो हमारी लोअर क्लास नीड थी, ये जो है 4 और 5 वो हमारी हायर क्लास नीड है। तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, देखते हैं गाइस। एस्टीम स्टेटस नीड आर आल्सो नोन एज अ पोजीशन नीड एंड हाई क्लास नीड, इसे हम लोग पोजीशन नीड और हाई क्लास नीड से भी देख सकते हैं। रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग्स एंड ऑफिसर्स एंड इंक्रीज इंटरप्रिटेशन है ना गाइज, वहाँ पर रेपुटेशन आएगा। हिज डिज़ायर टू गेट इट इंक्रीज, यानी कि हम लोग ऐसा जब भी हमारे फर्स्ट 3 नीड्स खत्म हो जाएंगी तो हम लोग ऐसा ही सोचेंगे कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुझे प्यार मिले, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट कैसे इंक्रीज होगी ना, वैसा हम लोग सोचेंगे कि भाई मैं अगर निकल रहा हूँ तो मेरी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि इज्जत का जो सवाल आ जाता है ना, वो हम लोग यहाँ पे स्टेटस के बारे में देखेंगे कि भाई रेपुटेशन हमारी अच्छी बननी चाहिए, क्लियर। इट मींस कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फूड वाली जो भी नेसेसरी थी वो कंप्लीट की, फिर सेफ्टी कंप्लीट किया, फिर लव एंड अफेक्शन कंप्लीट किया, सोशल, फिर देन आफ्टर हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, हमारे रेपुटेशन, हमारे स्टेटस के बारे में, क्लियर। और ये हम हायर क्लास या फिर पोजिशन नीड भी कह सकते हैं। और लास्ट वन जो हमारी नीड है वो है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब उसमें गाइस क्या होता है तो देखते हैं, आफ्टर सेटिस्फाइंग अबोव 4 नीड्स, यानी कि पहली 4 खत्म हो जाने के बाद लोग इसके बारे में सोचते हैं, मैन ट्राई टू सेटिस्फाई सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि ये 4 जो हमारी बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग सोचेंगे कि भाई मुझे मेरे खुद के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन है तो मुझे उसको सक्सेसफुल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि उस फील्ड में हम लोग टॉप के ऊपर होने चाहिए, क्लियर। Every person want to get the top position in own field, यानी कि for example अगर हम लोग कुछ specialized skill हमारे पास है तो हम ऐसा सोचेंगे कि ऐसी skill वाले जितने भी लोग हैं उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छे top पर होने चाहिए, clear? It means कि अगर हम हमारे खुद के लिए कुछ expectations रखते हैं जिसको हम satisfy करना चाहते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, self actualization and self esteem needs, जिसमें हम लोग सबसे आगे सबसे top पर रहना चाहते हैं, clear? फॉर एग्जाम्पल लेते तो ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। जाकिर हुसैन है फॉर एग्जाम्पल, अगर तबला का नाम आता है तो जाकिर हुसैन का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर है लता मंगेशकर, कहीं पे भी सिंगिंग की बात करो उसके बगैर बात खत्म नहीं होती। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो गॉड ऑफ क्रिकेट आप जानते हो कि सचिन तेंदुलकर है। अगर आप एक्टिंग की दुनिया में जाते हो तो अमिताभ बच्चन का नाम लिए बिना कोई रह नहीं सकता, क्लियर। इट मीन्स कि हम लोग हमारे जो स्पेशलाइजेशन स्किल वाले जो क्राइटेरिया है उसमें हम टॉप करना चाहेंगे, क्लियर गाइस। तो ये हो गए हमारी 5 की 5 हायरार्की नीड्स बाय मास्लो। फर्स्ट वन जो 3 थी वो हमारी लोअर नीड थी, जो लास्ट 4 और 5 थी वो हमारी हायर नीड्स है, क्लियर। लोअर नीड्स में भी हमारे पास 3 है, फर्स्ट वन प्राइमरी, फिर देन आफ्टर सेफ्टी और सोशल, और फिर फोर्थ वन में हमारे पास अवेलेबल थी एस्टीम एंड स्टेटस मेंटेन करना है, और लास्ट वन था हमारा सेल्फ एस्टीम, क्लियर गाइज़।